हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। अभी आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, बेसिकली जिनका डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल रहो या सिजेरियन, उनके लिए खास ये वीडियो रहेगा कि डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग कितने दिन होते हैं। बहुत सारे पेशेंट डिलीवरी के बाद जब भी डिस्चार्ज होके जाते हैं तो बाद में फ़ोन करके पूछते हैं या व्हाट्सअप करते हैं कि डॉक्टर, मुझे ब्लीडिंग अभी तक चल रहा है। तो डिलीवरी आपकी नॉर्मल रहो या सिजेरियन रहो, तो आपको ब्लीडिंग कितने दिन तक चलता है? देखो, नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद आपको जो ब्लीडिंग होता है वो आपका मेंसेस का ब्लीडिंग नहीं रहता है, ये आपका पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग रहता है। तो आपके यूट्रस में जो भी जो प्लेसेंटा का बेड रहता है, जिसको डेसिडुआ बोलते हैं हम लोग, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स या और भी डेड टिश्यू बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, वो धीरे 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 बाहर आता है। जब भी हम लोग सिजेरियन करते हैं तो काफ़ी अंदर से पूरा क्लीन करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी क्लीन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट बचा रहता ही है। प्लस आपका यूट्रस इन्वोल्यूट होते रहता है, यानी बैक टू नॉर्मल होते रहता है, तो उसकी वजह से भी वो रिएक्शनरी ब्लीडिंग होता है। तो ये कितने दिन चलता है? ऑन एन एवरेज ये 1.5 से 2 महीना चलता है। मानो 6 to 8 weeks आपको ये ब्लीडिंग शुरू रहता है, लेकिन बहुत हैवी नहीं रहता है, बहुत ही थोड़ा ब्लीडिंग रहता है, बीच में स्टॉप होता है, फिर से शुरू होता है। पहले 8 से 10 दिन, कभी कभी 15 दिन आपको हेवी फ्लो रह सकता है, लेकिन बाद में ये ब्लीडिंग आपका कम होता है और उसका कलर भी अल्टर होता है। पहले एकदम फ्रेश रेड का दिखेगा आपको, फ्रेश रेड, उसके बाद हल्का सा ब्राउन दिखेगा, फिर थोड़ा पिंक दिखेगा और फिर व्हाइटिश दिखने लगता है। तो इसको हम लोग लोकिया बोलते हैं, तो उसके अलग अलग नाम दिए हैं, लोकिया रुबरा, लोकिया अल्बा, ऐसे उसके नाम हैं। तो ऐसे धीरे 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 करके जो अंदर का डेड टिश्यू जो मटेरियल है वो स्लोली बाहर आते रहता है, प्लस आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, उसकी वजह से भी वो रिएक्शनरी ब्लीडिंग रहता है, जिसमें डरने जैसा नहीं है। तो इसमें मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि मानो आपका सिजेरियन हुआ है तो आपके टाके हिल होने को 1.5 महीना लगता है, तो आपको रेस्ट करनी है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि पेशेंट का ड्रेसिंग निकाला, 8 दिन हो गए कि उनको लगता है अरे नहीं, मैं बाहर से तो अभी पूरा ठीक हो गई, तो ये अपने काम रिज्यूम करते हैं, घर के काम। जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंट मदर रहते हैं, उनको पहला बच्चा रहता है, तो उनके ऊपर काम का थोड़ा बर्डन आ जाता है, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है। बच्चा उठा कि बच्चे के लिए ड्यूटी करने का, बच्चा सोया कि आपको लेट के रहना है। आप जितना एक्टिव रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे काम करेंगे, उतना आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, बैक पेन और स्टिचेस में पेन भी ज़्यादा होता है, एक चीज़। और दूसरा, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको जो आपका वजाइना का एरिया है, पेरिनियम है, उसको क्लीन रखना है, रेगुलर शेविंग करनी है, वजाइनल वॉश यूज़ करने हैं, स्टिचेस को क्लीन रखना है, स्टिचेस को लगाने के लिए आपके डॉक्टर ने जो ऑइंटमेंट दिया है वो लगाना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा नॉर्मल इंडियन मांडी डाल के नहीं बैठना है, पैर सीधा करके या ऐसा पालथी मांडी यानी फोल्ड करके आप बच्चे को फीड करेंगे। तो ये चीज़ों का प्रिकॉशन आपको रखना है 1.5-2 महीना होने तक। अभी आपको डॉक्टर को कब रिपोर्ट करना है, मतलब कब ये ब्लीडिंग एबनॉर्मल रहेगा। मानो इसमें बहुत सारा फाउल स्मेल आ रहा है, आपको बहुत अनईजी लग रहा है, आपको फीवर आ रहा है कॉन्स्टेंट, आपका एपेटाइट कम हुआ या आपका वेट कम हो रहा है बहुत ड्रास्टिकली, तो उस केस में आप आपके डॉक्टर को एक बार मिलेंगे, उनसे चेकअप करके लेंगे। या फिर आपको बहुत ही हेवी फ्लो हो रहा है, 15 दिन हो गए, आपका ब्लीडिंग बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, आपको क्लॉट्स पास हो रहे, आपको हर 2-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, तो उस केस में भी आप आपके डॉक्टर को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी नॉर्मल रहो या सिजेरियन रहो, आपको ब्लीडिंग कितने दिन होता है, वो अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो आपके जो भी रनिंग प्रेग्नेंट फ्रेंड्स है जो डिलीवरी के लिए ड्यू है, उनके साथ ये शेयर करो और हम लोग को ऐसे ही फॉलो करते रहो। थैंक यू।